दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले तो शानदार गेंदबाजी करके इसके बाद रोहित शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत आसानी से ये मुकाबला जीत लिया। इस मैच की बात करें तो टॉस जीता भारतीय टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बांग्लादेशी टीम ने 20 ओवरों में कुल 153 रन बनाए। अब दोस्तों 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों को जमकर धोया, खासकर रोहित शर्मा ने तो चौके छक्कों की बरसात करके अकेले ही यह मुकाबला जिता दिया। हालांकि 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारत को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लगा। धवन को अनीमुल इस्लाम ने अपना शिकार बनाया। धवन 31 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें पहले विकेट के लिए धवन और रोहित के बीच 118 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा तो दूसरी छोर से लगातार तूफानी बल्लेबाजी करते ही जा रहे थे। उन्होंने मात्र 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद भी वो रुके नहीं और एक के बाद एक गेंदबाज की धुनाई करते रहे। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच में 10वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 3 छक्के मारे और पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नाम से गूंज उठा। जी हाँ, आपको बता दें बांग्लादेश की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मुसैदिक हुसैन और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने मिड विकेट की तरफ एक लंबा छक्का मारा। इसके बाद अगली गेंद हुसैन ने लेग साइड की तरफ डाली, जिस पर भी रोहित ने एक फाइन लेग की तरफ एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर इसके बाद भी रोहित नहीं रुके और मिड विकेट की तरफ अगली गेंद पर एक और छक्का लगाकर इस ओवर में 3 लगातार छक्के जड़ दिए। हालांकि दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित आउट हो गए और वह अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 43 गेंदों में 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए और इसी तरह से भारत ने ये मुकाबला 16वें ओवर की 4थी गेंद पर जीत लिया। दोस्तों वैसे आपको इस मैच में रोहित शर्मा की तूफानी पारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को लिटन दास और मोहम्मद नईम की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। इस जोड़ी ने बांग्लादेश को स्कोर के 50 के पार पहुंचाया, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिटन दास रन आउट हो गए। पंत ने शानदार डायरेक्ट हिट थ्रो किया और दास को पवेलियन भेजा। लिटन दास ने 21 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर बांग्लादेश को मोहम्मद नईम के रूप में दूसरा झटका लगा। वॉशिंगटन सुंदर ने नईम को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। नईम ने 31 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 36 रनों की पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए उन्होंने सौम्य सरकार के साथ 23 रनों की साझेदारी की। फिर दोस्तों यहां पर 13वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लेकर पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हां, दरअसल 13वें ओवर की पहली गेंद पर चहल ने पिछले मैच के हीरो रहे मुश्फिकर रहीम को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। मुश्फिकर रहीम बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हुए और इसी तरह से चहल ने बांग्लादेश के सबसे खतरनाक खिलाड़ी को आउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 6वीं गेंद पर चहल ने बांग्लादेश को एक और झटका दिया। चहल ने सौम्य सरकार को स्टंप आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सरकार ने 20 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से 30 रनों का अहम योगदान दिया। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद ने हुसैन को रोहित के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद दीपक चहर ने 19वें ओवर में महमूदुल्लाह को आउट करके भारत को 6ठी सफलता दिलाई। और दोस्तों इसी तरह से इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 153 रनों पर रोक दिया। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से युजवेंद्र चहल के नाम 2 विकेट आए। इसके अलावा दीपक चहर,
खलील अहमद और वॉशिंगटन सुंदर के नाम एक एक विकेट आया। तो आपको बता दें कि पारी के छठे ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद से रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। जी हाँ, दरअसल पारी का छठवां ओवर भारतीय टीम की तरफ से लेकर आए युजवेंद्र चहल और ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में लिटन दास क्रीज से काफ़ी आगे आ गए, लेकिन गेंद उनसे मिस हो गई और सीधी पंत के दस्तानों में गई और पंत ने आसानी से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से ही एक बड़ी घटना हो गई। जी हाँ, अंपायर ने एक बार रिव्यू करने को कहा और उन्होंने रिव्यू में ये देखा कि जल्दबाजी में गेंद पकड़ने के चक्कर में पंत के दस्ताने विकेट से काफ़ी आगे हो गए हैं। जी हाँ, ये नियमों के ख़िलाफ़ है कि आप गेंद को विकेट के पीछे से ही पकड़ सकते हैं, लेकिन पंत ने गेंद को विकेट के आगे ही पकड़ ली, इसीलिए अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया और इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया। इसी तरह से दोस्तों, पंत की एक और छोटी गलती भारतीय टीम पर भारी पड़ गई, क्योंकि इसके बाद लिटन दास ने लगातार दो चौके मारे और इस ओवर को भी बड़ा बना दिया। जहां पर भारतीय टीम को एक विकेट मिलना चाहिए था, वहां पर नो बॉल दी गई और इसके अलावा दो चौके भी आए। फिर दोस्तों, इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैदान पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने भी पंत को काफ़ी कुछ सुना दिया। अब दोस्तों, 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों को जमकर धोया, खासकर रोहित शर्मा ने तो चौके छक्कों की बरसात करके अकेले ही यह मुकाबला जिता दिया। हालांकि 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भारत को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लगा। धवन को अनीमुल इस्लाम ने अपना शिकार बनाया। धवन 31 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें, पहले विकेट के लिए धवन और रोहित के बीच 118 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा तो दूसरी छोर से लगातार तूफानी बल्लेबाजी करते ही जा रहे थे। उन्होंने मात्र 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद भी वो रुके नहीं और एक के बाद एक गेंदबाज की धुनाई करते रहे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में 10वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 3 छक्के मारे और पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नाम से गूंज उठा। जी हाँ, आपको बता दें, बांग्लादेश की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मुसैदिक हुसैन और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने मिड विकेट की तरफ एक लंबा छक्का मारा। इसके बाद अगली गेंद हुसैन ने लेग साइड की तरफ डाली, जिस पर भी रोहित ने एक फाइन लेग की तरफ एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर इसके बाद भी रोहित नहीं रुके और मिड विकेट की तरफ अगली गेंद पर एक और छक्का लगाकर इस ओवर में 3 लगातार छक्के जड़ दिए। हालांकि दोस्तों, 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित आउट हो गए और वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 43 गेंदों में 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए और इसी तरह से भारत ने ये मुकाबला 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जीत लिया। दोस्तों, वैसे आपको इस मैच में रोहित शर्मा की तूफानी पारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को लिटन दास और मोहम्मद नईम की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। इस जोड़ी ने बांग्लादेश को स्कोर के 50 के पार पहुंचाया, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिटन दास रन आउट हो गए। पंत ने शानदार डायरेक्ट हिट थ्रो किया और दास को पवेलियन भेजा। लिटन दास ने 21 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर बांग्लादेश को मोहम्मद नईम के रूप में दूसरा झटका लगा। वॉशिंगटन सुंदर ने नईम को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। नईम ने 31 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 36 रनों की पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए उन्होंने सौम्य सरकार के साथ 23 रनों की साझेदारी की। फिर दोस्तों, यहां पर 13वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लेकर पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हां, दरअसल 13वें ओवर की पहली गेंद पर चहल ने पिछले मैच के हीरो रहे मुश्फिकर रहीम को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। मुश्फिकर रहीम बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हुए और इसी तरह से चहल ने बांग्लादेश के सबसे खतरनाक खिलाड़ी को आउट कर दिया।
इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की छठवीं गेंद पर चहल ने बांग्लादेश को एक और झटका दिया। चहल ने सौम्य सरकार को स्टंप आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सरकार ने 20 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से 30 रनों का अहम योगदान दिया। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद ने हुसैन को रोहित के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद दीपक चहर ने 19वें ओवर में महमूदुल्लाह को आउट करके भारत को छठी सफलता दिलाई। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।